भागवत आनंद पूजा का आनंद लेने के लिए जा रही है। बस्ती में मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश आ रही है और बारिश का लोग गाड़ी में बैठना ले रहे हैं। हाय राजाला जी, हाय दोस्तों, अभी हम आगे का दिखाते हैं आपको और लाइव भागवत भी दिखाएंगे। ये हनुमान मंदिर है, पानी तो इंदिरा गांधी स्टेडियम राधा स्वामी सत्संग। क्या नाम है तेरा? चीकू। चीकू स्कूल नहीं जाते? चीकू स्कूल जाते थे,
कैसे क्यों नाम कट गया है? क्यों नाम कट गया बेटा? पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पापा कहाँ है? मैं आपके पापा से बात करूंगी। स्कूल में दोबारा जाओ। कहाँ पे? पीछे रेडी थे दीपू के पापा, पीछे रेडी थे। अच्छा, तो कितने पैसे दे दो? पापा को बोलना स्कूल जाऊंगा मैं, पढ़ूंगा। ये पढ़ लिख लेगा तो ये नहीं बेचना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये ले। बोलो रख लो, ये देने नहीं वापस के रख लो। अपने पास रख ले, फीस भर दिए स्कूल की। आपके पापा कौन सी गाड़ी पे है? अच्छा, क्या नाम तेरे पापा का? सौरभ। हाँ, सौरभ। सौरभ, चलो अगली गाड़ी पे मैं अभी तेरे पापा से बोलूंगी, और पापा को बोलना आंटी पैसे दे के गई है, मेरा नंबर लिख ले। हाँ। और फिर बैग फीस दे दिया करूंगी आपकी हर महीने। ठीक है, अब मैं वापिस आऊंगी एक दो दिन में, स्कूल में नाम लिखवा लियो। ठीक है, बाय। कैसे लगे स्कूल जाना? अच्छा लगता है? यहाँ खड़ा होना अच्छा लगता है? हाँ, तो अभी मैं आपके पापा से मिलूंगी आगे और बात करूंगी, स्कूल भेजूंगी आपको। ठीक है बेटा, पढ़ लिख के पहले ये काम बाद में। ये देखो गाड़ी के सींग देखो कितने बड़े बड़े हैं। देखे कैसे बीच रोड पे खड़ी गई है माता, रेड लाइट पर रुकी हुई है। इधर भी पता है फरीदाबाद में हॉस्पिटल में आया है, वो सब गले लगाती है। देखो हमारी गैया भी रेड लाइट का पालन करते हुए इधर भी बैठी है। इधर गैया ये अब हम नरेला पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, 5-2 मिनट में हम पंडाल में पहुंच जाएंगे। ऋतु साध्वी ऋतमरा जी की भागवती है।
51 कुंडी रुद्र महायाग्य चल रहा है। हाँ जी, इसमें मनोकामना पूर्ति के लिए और स्वास्थ्य के लिए विशेषकर ये महायाग का आयोजन किया जा रहा है। भगवान शिव की पूजा से चल रही है, प्रतिदिन रुद्राभिषेक चल रहे हैं और प्रतिदिन यज्ञ हो। तो आपका परिचय? मेरा नाम रमाकांत शास्त्री जी, अलीपुर जी। शास्त्री जी, आप यहाँ पे हवन करवा रहे हैं देवी रितंबरा जी, कथावाचक है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपको, चरण वंदन कि आपने हमें इसका विस्तार से बताया। ये 151 हवन कुंड बने हैं जिनमें रोज सुबह यहाँ पर पूजा होती है। सभी हवन कुंड पर जोड़े बैठकर अपनी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं।
सीता रसोई में भोजन पर।